फैनफूड दादाजी, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है रिटायर्ड लाइफ? बस बढ़िया है। आज उन पुराने दिनों और दोस्तों की याद आ गई, पर न जाने अब कहां और कैसे होंगे। अरे वाह, कौन कौन से लोग थे दादाजी? बच्चे WP, WG, WDM, पर सबसे खास इनमें से एक था, वो एकदम मेरे जैसा। छोटा सा था पर बहुत ही तेज, खास ही था वो। हालांकि ज्यादा मिल तो नहीं पाया उससे, क्योंकि उस जमाने इलेक्ट्रिफाइड रूट्स कम थे। कौन था वो लोको दादाजी? वो था YAM1, बहुत ही तेज, बहुत ही प्यारा और जितना छोटा उससे कहीं ज्यादा भरोसेमंद। YAM1। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। अब तक हमने एक से एक लेजेंडरी लोकोमोटिव्स की चर्चा की, एक से एक दमदार लोकोस को देखा, और हमने मीटर गेज के हरफन मोला लोकोमोटिव्स की भी चर्चा की। इन सभी लोकोमोटिव्स में आपका फेवरेट लोकोमोटिव कौन है ये बताना ना भूलें। भारतीय रेलवे के विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी मीटर गेज ट्रेन, जो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक यात्रियों को न जाने कितने सालों तक ले जाती रही। इन ट्रेन्स के बारे में हमने कई बार जाना है। अब बात करें इन ट्रेन्स को हॉल करने वाले लोकोमोटिव्स की, तो इसमें स्टीम और डीजल ट्रैक्शन के लोकोमोटिव्स की तो हमने कई बार चर्चा की है। पर क्या आपको पता है कि मीटर गेज पे एसी ट्रैक्शन पे भी चलने वाले लोकोमोटिव्स थे? क्या भैया, मीटर गेज में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव? हाँ भाई, मीटर गेज में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चला करते थे, जो मीटर गेज की सुपर फास्ट ट्रेन को हॉल करते थे। क्या बात कर रहे हैं भैया, मीटर गेज रूट्स में फास्ट ट्रेन? हाँ दोस्त, मीटर गेज में एक से एक तेज रफ्तार ट्रेन चला करती थी। इतना ही नहीं, उस जमाने की वैगई एक्सप्रेस और पिंक सिटी एक्सप्रेस तो आजकल की कई प्रीमियम ट्रेन से भी ज्यादा तेज थी। और उस जमाने में मीटर गेज वैगई एक्सप्रेस ने चेन्नई से मदुरई तक की दूरी मात्र 7 घंटे 5 मिनट में पूरा किया था, जो कि 2022 तक का रिकॉर्ड रहा। जब तक कि LHB कोच वाली वैगई एक्सप्रेस ने इस पूरी दूरी को 3 मार्च 2022 को 6 घंटे 40 मिनट में तय करने के साथ ही तोड़ा था। चेन्नई मदुरई अपने समय के फास्टेस्ट रूट में से एक था, और इतना ही नहीं, ये रूट देश का एकमात्र डबल लाइन MG रूट था, जो कि इलेक्ट्रिफाइड भी था। इस रूट में MG लोकल भी चला करती थी। कितना खूबसूरत नजारा हुआ करता था ये। मीटर गेज ट्रेन्स का मायाजाल पूरे दक्षिण भारत में फैला था। जहां ब्रॉड गेज में WAM4 छाया हुआ था, वहीं समय के साथ मीटर गेज की इलेक्ट्रिफाइड दुनिया में इकलौता बादशाह YAM अस्तित्व में आया। इसकी कहानी में आगे बढ़ने से पहले इसके स्पेसिफिकेशंस की चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो मीटर गेज रूट्स में शुरू में तो DC ट्रैक्शन का इस्तेमाल हुआ, जहां DC ट्रैक्शन पर चलने वाला YCG1 काम करता था। 1930 से 1965 तक इन DC ट्रैक्शन लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल चेन्नई से ताम्बरम के बीच होता था, पर समय के साथ AC ट्रैक्शन की सफलता के बाद अब AC ट्रैक्शन लोकोमोटिव्स आने लगे थे। अब चेन्नई और इसके आसपास जो DC ट्रैक्शन केबल्स थी, इसको AC ट्रैक्शन में चेंज किया गया। पर अब ऐसा लोकोमोटिव भी चाहिए था जो ब्रॉड गेज की तरह मीटर गेज में भी धमाल मचा सके। ये लोकोमोटिव बना YAM1। इस लोको की मैक्स रेटेड पावर आउटपुट थी 1740 हॉर्स पावर, जो कि मीटर गेज रूट्स में आज तक के सभी लोकोमोटिव्स में सबसे ज्यादा थी। क्या जबरदस्त था ये लोकोमोटिव, जिसको चलते देखना किसी खूबसूरत एहसास से कम नहीं था। 25 kV AC ट्रैक्शन पर चलने वाला ये लोकोमोटिव जापान की कंपनी मित्सुबिशी, हिताची और तोशिबा द्वारा डेवलप किया गया था। इंडियन रेलवे में इसके आगमन के साथ ही इसको नाम दिया गया YAM1। इस लोको की टोटल 20 यूनिट्स 1964 में इंडियन रेलवे में इंपोर्ट की गई थी। बात करें व्हील कॉन्फ़िगरेशन की, तो इस लोको में बोबो व्हील कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता था, जो दक्षिण भारत की कई तेज रफ्तार ट्रेन्स जैसे चोलान एक्सप्रेस, पांड्यान MG एक्सप्रेस, बोट मेल वगैरह को हॉल करते थे। बदलते समय के साथ अब धीरे धीरे मीटर गेज का साम्राज्य सिकुड़ने लगा था, जिस वजह से कई मीटर गेज ट्रेन्स अब अपना अस्तित्व खोने लगी थी। पर दक्षिण भारत में मीटर गेज ट्रेन्स अपने पूरे शबाब पर थी। इस लोको में एल्स्टॉम द्वारा निर्मित
MG1420 ट्रक माउंटेड 1250 वोल्ट ट्रैक्शन मोटर का इस्तेमाल किया गया था। ब्रॉडगेज के लोकोस की जब हम चर्चा करते हैं तो अमूमन ये लोकोस 110 टन से ज्यादा के होते हैं, पर आपको पता है मीटर गेज का ये कमाल का लोकोमोटिव मात्र 52 टन का था। पर असली चीज तो होती है लोको की रफ्तार। तो ये लोको मीटर गेज रूट्स पर ट्रेन को आसानी से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर हॉल कर सकता था। बात करें ट्रैक्टिव एफर्ट की तो इस लोको का ट्रैक्टिव एफर्ट बहुत ही जबरदस्त था, जो कि 191 किलोन्यूटन था। अब मीटर गेज के हिसाब से ये ट्रैक्टिव एफर्ट बहुत बढ़िया था। दक्षिण भारतीय रेलवे के इन चीतों को कई नामों से जाना जाता था, जिनमें पल्लव किंग या फिर वैगई स्पेशल कुछ फेमस नाम थे। कमाल की बात तो यह है कि इस लोको की सारी यूनिट्स अपने अंतिम दिनों तक सेवा प्रदान करती रहीं और तूफानी रफ्तार से मीटर गेज रूट्स पर अपना जलवा बिखेरती रहीं। रेल फैंस बड़े प्यार से इस लोको को लिटिल बीस्ट कहा करते थे। वैसे YDM 4 भी एक कमाल का लोकोमोटिव था, जिसकी चर्चा के दौरान हमने जाना था कि ये लोकोमोटिव 188 किलो न्यूटन का ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट कर सकता था। इसकी कहानियों की कई चर्चा आज भी उस जमाने के रेल एम्प्लॉयज और रेल फैंस के चेहरे में हल्की सी मुस्कान ले आते हैं। अगर आपने कभी इन लोकोस को नहीं देखा है तो आज भी आप इन्हें चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के लोको पार्क और चेन्नई रेल म्यूजियम में देख सकते हैं। इस खूबसूरत लोको को देखने मैं भी चेन्नई गया था, जहां मैंने चेन्नई की MG लोकल के रेक्स भी देखे जो कुछ ऐसे दिखते थे। फाइनली इस खूबसूरत लोको का सफर 30 जून 2004 को हमेशा के लिए थम गया और इसके बाद से लोको आज तक मेन लाइन में कभी नहीं दौड़ा। अगर आपने कभी इस लोको द्वारा हॉल ट्रेन में यात्रा की है या आपने लोकोमोटिव देखा है तो कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव जरूर से शेयर करें। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। मैं जल्द ही मिलता हूँ अपने किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।